दोस्तों, Zee TV पर प्रसारित होने वाला शो तुझसे है राबता आज भले ये पर्दे पर प्रसारित ना हो रहा हो, मगर शो में काम करने वाले कलाकारों ने इस शो को इतना यादगार बनाया कि ये शो लंबे समय तक दर्शकों के जहन में रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है अभिनेत्री रेम शेख को, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि आज ये सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी हैं, जिनकी दर्शक तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां रेम शेख ने अपनी कामयाबी अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते हासिल की, तो वहीं ये अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने साथ साथ कुछ और लोगों को देती हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरह से इनके करियर को सफल बनाने में इनका साथ दिया। तो आखिरकार कौन है वो पांच सितारे जिन्हें रेम शेख अपनी सफलता का क्रेडिट देती हैं? आइए जानते हैं हमारी वीडियो के जरिए। नंबर वन, सिद्धार्थ निगम। जी हाँ, इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है अभिनेता सिद्धार्थ निगम का, जो रेम शेख के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि ये दोनों अपने हर सुख दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं। यही वजह है कि जब भी रेम शेख को कोई प्रॉब्लम होती है या वो अपने लाइफ में बुरे दौर से गुजर रही होती हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने वाले और सही राह दिखाने वाले सिद्धार्थ ही होते हैं, जिसके चलते इन्होंने कई बार उनके करियर के महत्वपूर्ण फैसलों में भी उनकी मदद की, जिसकी वजह से वो सही डिसीजन ले पाए और इस मुकाम तक पहुँच पाए। नंबर टू, श्वेता तिवारी। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री श्वेता तिवारी का भी शामिल है, जो कि टीवी इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक है। बता दे, ये तो श्वेता तिवारी ने कभी भी इनके साथ काम नहीं किया, मगर बावजूद इसके रेम शेख अपनी सफलता का क्रेडिट श्वेता तिवारी को देती है। और वो क्यों? दरअसल रेम शेख श्वेता को अपना इंस्पिरेशन बताती हैं। इंडस्ट्री में अगर रेम शेख ने किसी को देखकर एक्ट्रेस बनना चाहा, तो वो श्वेता ही है। इसी वजह से अगर श्वेता ना होती तो सफलता क्या, रेम एक्ट्रेस बनने का भी नहीं सोचती। नंबर थ्री, हिना खान। श्वेता तिवारी की तरह अभिनेत्री हिना खान भी उन्हें सितारों में से एक है, जिन्हें रेम शेख अपनी सफलता का क्रेडिट देती हैं। बता दें, हिना खान इंडस्ट्री की सबसे यादगार और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक है, जिनके साथ रेम शेख को काम करने का मौका मिल चुका है। जहां ये रिश्ता क्या कहलाता है, में काम करने के दौरान हिना खान रेम को छोटी बहन की तरह समझते हुए उन्हें एक्टिंग से जुड़े टिप्स दिया करती थी, जिन्हें अपना कर रेम को काफी ज्यादा फायदा हुआ और इसीलिए अपनी सफलता का क्रेडिट हिना खान को भी देती हैं। नंबर फोर, एकता कपूर। टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर वाला इस लिस्ट में कैसे पीछे रह सकती हैं, क्योंकि यही तो वो है जिनकी बदौलत रेम शेख को इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला। दरअसल जब रेम शेख एक शो के ऑडिशन के लिए गई, तो वहाँ एकता कपूर ने इन्हें देखा और इनकी एक्टिंग उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि अपने फ्रेंड के शो में नीर भरे तेरे नैना देवी में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने इनका नाम सजेस्ट कर दिया, जिसके बाद रेम शेख इंडस्ट्री में कदम रख पाई और आज इस मुकाम को छू पाई है। नंबर फाइव, शहबान अजीम। इस लिस्ट में एक नाम शामिल है अभिनेता शहबान अजीम का, जो के लीड एक्ट्रेस होने के बाद इनके पहले को स्टार है। बता दे, शो में इन दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया, जिसके चलते शो काफी ज्यादा यादगार रहा है। आपको बता दे, शहबान अजीम को भी रेम शेख अपनी सफलता का क्रेडिट देती हैं और बताती हैं, शहबान अजीम एक काफी अच्छे को स्टार है, उन्होंने शो में इनका काफी ज्यादा साथ दिया। शहबान अजीम ने शो शुरू होने से पहले ही इनसे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठा ली, जिसके चलते इन दोनों का हर एक सीन पर्दे पर परफेक्ट उतरता था और यही वजह है कि आज ये अपने करियर में इतनी ज्यादा सफल हो पाई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रेम शेख का इन सभी को अपनी सफलता का क्रेडिट देना सही है या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।